बात को ऑलमोस्ट 4-5 साल हो गए हैं। वी आर स्टिल गेटिंग द सेम सैलरी। उस वक्त हम जो सैलरी ले रहे थे उसके बाद भी हम वही सैलरी ले रहे हैं। और मैं देख रही हूँ कि कुछ फीमेल्स के साथ बच्चे भी हैं हमें, तो मुझे समझ नहीं आता कि जो रेगुलर एम्प्लॉयज है वो भी इतना ही स्ट्रगल करते हैं सुबह के लिए। आप ये सोचिए, बीइंग अ फीमेल, आपको बच्चों को देखना होता है, घर को देखना होता है, इतनी जद्दोजहद के बाद हम अपनी ड्यूटी करने पहुंचते हैं, उसके बाद हम वापस आके घर पहुंचते हैं, एक तरह से तेल निकल जाता है उस टाइम पर। और हम कितनी सैलरी ले रहे हैं और वो कितनी सैलरी ले रहे हैं, जमीन आसमान का, मैं तो ये कहूँगी पाताल और आसमान का फर्क है। और अगर मैं ये कहूँ कि जैसे मैम बार बार हमारा जोश बढ़ाने के लिए बोल रही है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम भी अपने हक ले पाएंगे, तो आई डोंट बिलीव इट, एक दिन ऐसा आएगा। वो दिन पता नहीं कब आएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो बिल्कुल रिटायरमेंट के करीब बैठे हैं, बहुत सारे हैं जो ओवर एज हो चुके हैं या होने वाले हैं। चलो हम तो फिर भी अपने लिए बोले तो शुरुआत है या अभी बहुत टाइम है। और दूसरी बात ये, किसी किसी के घर में ये सेकेंडरी इनकम हो सकती है, लेकिन हम में से बहुत सारे ऐसे हैं जिनके घर में ये फर्स्ट इनकम है, उनका पूरा घर चल रहा है इस सैलरी पर। और सर का यहाँ पर इमोशनल होना बहुत जायज सी बात थी, क्योंकि आप लोग इतनी दूर से आए, मैं फिर भी यहाँ हरियाणा, मेरा 1.5-2 घंटे का रास्ता था। आप कब से यहाँ पे स्टे कर रहे हैं, इतनी परेशानी हो रही है, कुछ बच्चों को साथ लेके आए हैं, कुछ छोड़ के आए हैं, तो मैं समझ सकती हूँ कि कितनी दिक्कतें आ रही होंगी। बहुत सारी उन्हें यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे छोड़े हैं यहाँ पे, तो ये इस चीज़ का टाइम नहीं है हमारे पास कि एक दिन ऐसा आएगा। यहाँ पे वो करो या मरो वाली सिचुएशन है। और सरकार वो किस बात के लिए हमें प्रेशराइज करते हैं, सिर्फ एक हमारे पास वोट बैंक है? जब सरकार हमारा काम ही नहीं करेगी तो हमें क्या चार डालना है सरकार का, हमें क्या करना है उनका? मंत्री बनेंगे वो बनेंगे, एमएलए बनेंगे वो बनेंगे, मुख्यमंत्री बनेंगे वो बनेंगे, लग्जरी वाली लाइफ तो वो जी रहे ना। वोट बैंक हमारा, सरकार हम बनाते हैं, जब हमारे लिए कुछ नहीं हो रहा है तो वाई शुड वी वोट, हम क्यों वोट करें फिर? दूसरी बात, सर ने यहाँ पे नेल्सन मंडेला जी का जिक्र किया था। ये सच बात है कि साउथ अफ्रीका में बहुत लंबे स्ट्रगल के बाद उनकी सरकार आई नीग्रोस की, और उसके बाद क्योंकि उससे पहले वहाँ पे 2 नेशनल एंथम्स होते थे, एक वाइट पीपल के लिए और एक ब्लैक पीपल के लिए, बाद में धीरे धीरे ये सारी चीज़ें चेंज हुई। तो बी का टीचर उनके बारे में हमने भी पढ़ा हुआ है, बचपन में नेल्सन मंडेला को लगता था कि खेतों में दौड़ना, नदियों के किनारे खेलना, बस यही आज़ादी होती है, क्योंकि बच्चों को क्या पता, क्यों बच्चे तो बादशाह होते हैं, बच्चों को ये लगता है यही जिंदगी है। पर हम जैसे जैसे बड़े होते हैं तो वी रियलाइज कि बचपन किसी तरह वापस नहीं आ सकता। तो जब हमें ये नौकरी मिली तो हम भी खुश थे, वी आर एम्प्लॉयड, वी आर गेटिंग सैलरीज, वी आर अर्निंग। लेकिन अब जैसे जैसे हमें टाइम होता गया, हम मैच्योर हो गए, हमारे बच्चे भी हो गए, वो बड़े भी हो गए, तो अब हमें ये रियलाइज़ हो रहा है कि ये असली एम्प्लॉयमेंट ये नहीं है। जैसे नेल्सन मंडेला को लेकर रियलाइज हुआ कि वो फ्रीडम नहीं था जो वो सोचते थे, फ्रीडम असल में उसका लेवल बहुत ऊपर है, ठीक वैसे ही अब हम कितने सालों से, क्या हमें ये चीज़ एहसास नहीं होती कि क्या हम क्वालिफाइड नहीं है, हम क्या क्वालिफाइड नहीं है, क्या हम रिश्वत देकर लगे हैं यहाँ पे? हमने वो सारे प्रोसीजर्स फॉलो किए हैं जो हर गवर्नमेंट करवाती है हमारे लिए, हरियाणा और स्टेट्स का मुझे नहीं पता है। हमारे स्कूल्स में गवर्नमेंट सर्कुलर्स फॉलो होते हैं, ड्यूटीज जो लगती हैं, एग्जाम का शेड्यूल जो होता है या जो भी होता है, वो सब हम उनके अकॉर्डिंग फॉलो करते हैं, सिवाय एक सैलरी। वी आर गेटिंग फिक्स पे 15,840, लेकिन हमारे बाद जो लगे हैं, जो डायरेक्ट एसएसएस अपॉइंट हुए, हमारे बीच में कुछ एजेंसीज का कुछ रहा है डिस्क्रिमिनेशन, वो ले रहे हैं 20,000। तो 15,840 और 20,000 में भी ज़्यादा फर्क नहीं है, पर वो 20,000 ले रहे हैं। लेकिन जैसे हर स्टेट का एक टेस्ट होता है जो क्वालिफाई करना होता है, बाद में बहुत स्ट्रिक्ट हो गया है प्रोसीजर, अकेडमिक बहुत अच्छा चाहिए, एचटेट भी क्वालिफाइड होना चाहिए, रिटर्न भी होना चाहिए, इंटरव्यू भी होना चाहिए, बस सैलरी नहीं होनी चाहिए, सैलरी नहीं होनी चाहिए, बस सब कुछ होना चाहिए। जब ड्यूटीज लगती हैं, कोई एग्जाम कंडक्ट होता है, बोर्ड एग्जाम्स में ड्यूटी लगती है,
सरकार को। जब कोई अगेंस्ट सर्कुलर निकालना होता है तो सरकार का हर बंदा बड़ा एक्टिव हो जाता है। जब हमारे हक की बात होती है तो डस्टबिन में डाल दी जाती है एप्लीकेशन। तो अब वो टाइम कहाँ है कि हम एक दिन कामयाब होंगे। यहाँ पे करो या मरो वाली सिचुएशन है, क्योंकि सीरियसली बहुत सारे ऐसे बैठे हैं जो सिर्फ इस जॉब की वजह से वो अपने बच्चों का सेटलमेंट नहीं कर पा रहे हैं, वो आगे के लिए कुछ नहीं सोच पा रहे हैं। वो गले की जो हड्डी वाली चीज होती है ना, ये है वो नौकरी। इस नौकरी के लिए हमने कभी इतने सालों से हम इन स्कूलों में काम कर रहे हैं। गर्ल्स स्कूल है और आपको पता है लड़कियां सिंसियर होती है तो कहीं ना कहीं अटैचमेंट भी हो जाता है। सरकार बात करती है गर्ल एजुकेशन की, सेव गर्ल, एजुकेट गर्ल। आप एक बार छोटा छोटा रेशो निकाल के देखिए, इंडिया इतना बड़ा देश है, इतने सारे स्कूल्स यहाँ चल रहे हैं, इतनी सारी लड़कियाँ यहाँ पे पढ़ रही हैं, और मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि हमने इन स्कूलों को अपने पसीने से सींच कर यहाँ तक लाए। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है जैसे नेता मार देते हैं मैंने ये करा वो करा, सीरियसली। क्योंकि केजीबीडीज में सिचुएशन अब वो है कि अगर एडमिशन ना तो सीटें पूरी हो जाए तो रोड जाम लग जाते हैं हमारे यहाँ। सोल्यूशन होगा, कोई तो हमारा रहबर आएगा। और हम यहाँ बैठ के अगर धरना दे देंगे, सिर्फ पहले भी दिया था, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। तो हमें कुछ करना होगा इस बारी। हम इस बारी का